दिवस मना रहा है, हम भी अपने सन्यासी के लगभग 40 साल के एक छोटे से जीवन काल का एक 120 साल बाद भी झारखंड में जन्म लेने वाला, देश में जन्म लेने वाला किशोर अवस्था और युवा अवस्था के नौजवान पूरा देश और राज्य के सारे सिस्टम, देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी और हालात में भी उनके विचारों को वर्तमान समय के लिए एक आदर्श विचार मानते हैं। आज उसी विचारों को आत्मसात करते हुए इस प्रदेश के हजारों नौजवान अपने प्रदेश के वर्तमान हालात, नौजवानों के हालात और स्थितियों का आकलन करते हुए प्रत्यक्ष रूप से आज के दिन के कुछ घंटे उनको समर्पित करने के लिए अरगोड़ा मैदान से लेकर मोरहाबादी बापू वाटिका तक उठो जागो संकल्प मार्च के लिए आज यहां पर आए हुए हैं। मैं तमाम मंच में मंचासीन अपने समय के संघर्षरत सभी राजनेताओं का, जनप्रतिनिधियों का और कल की शक्ति, कल के भविष्य जो मेरे सामने खड़े हैं, मैं आप सभी का आज के इस समर्पण के लिए तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत आप सभी का करता हूं। ये सहज अवस्था नहीं है, ये साधारण कार्यक्रम नहीं है और साधारण पहल नहीं है। मैं इसलिए ये बातों को कह रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के इस बैनर के तले छात्र इकाई आज जो वर्तमान में है, ये छात्र इकाई का ये पूरा नाम के इतिहास में इस प्रदेश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हाथ से कितना देर कर पाएगा, अगर कोई हुआ तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में हुआ है। आज फिर से वही छात्र इकाई कॉलेज विश्वविद्यालय से निकलकर गांव में बेरोजगारी की मार झेल रहा नौजवान आज फिर से उसी बैनर को हाथ में लिए एक छात्र इकाई आजसू पार्टी का आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर संकल्प लेने के लिए आज फिर से यहां खड़ा हुआ है। नौजवानों की बात हो रही है, नौजवानों की प्रदेश में चर्चा होगी तो प्रदेश के दो बड़े चेहरे इस मंच में है, मैं उनका नाम जरूर लूंगा, आदरणीय एस अली जी का और हमारे मनोज यादव जी का। मैं अपने राजनीतिक कार्यकाल में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ में संघर्ष करते हुए इनको नजदीक से देखा है। अवस्था निश्चित रूप से आगे निकल गई पर संकल्प और राज्य और राज्य के नौजवानों के हितों में इनके लड़ने की मद्दा खत्म नहीं हुई है। मैं चाहूंगा तमाम नौजवान इनके लिए जोरदार ताली बजाए। देखो एक विस्तार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सोच का होना बहुत जरूरी है। चुनाव आएंगे, चुनाव होते रहेंगे, इस देश के अंदर कभी कभी राज्य में राजनीति करने वाले लोगों को वोट की राजनीति में इतना मशगूल हो जाते हैं कि नौजवानों के हालात का अंदाजा नहीं हो पाता है और उसी का प्रतिफल है कि लंबे अरसे के बाद विश्वास नौजवानों को लेकर स्थापित राज्य की सरकार नौजवानों के बारे, लोकलिटी के बारे, स्थानीय के बारे, नियोजन के बारे चर्चा सीधे तौर पर तो कर सकती है, राजनीतिक पटल पर आकर खड़ा कर होकर लोग तो लुभावने बातें, चार लिखी हुई बातें आप पढ़ सकते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।